गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फॉलोइंग डाटा हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए कंपनी। यहाँ देखिए प्रोडक्शन 40,000, सेल्स 35,000। 40,000 प्रोडक्शन किए, सेल अगर 35 करते हैं तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 5,000 होता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि प्रोडक्शन है 40, सेल है 35। सेलिंग प्राइस 80 रुपया पर यूनिट। मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट, लेबर वेरिएबल, प्रोडक्शन वेरिएबल एंड फिक्स्ड। तो अगर हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो हम लोग को सेल्स में से फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेना होगा, चाहे फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो। दैट इज यहां तक। ये जो प्रोडक्शन देख रहे हैं आप, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, ये आपका 40,000 यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट है। जबकि 35 बेचे हैं तो 40,000 का प्रोडक्शन कॉस्ट में से 5,000 फिनिश गुड्स माइनस कर देंगे तो वो 435,000 बच जाएगा, जिससे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा। उसके बाद हम लोग कोई भी एक्सपेंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी नाम हो, चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो, माइनस कर देंगे, नेट इनकम आ जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में से सेल्स में से पहले फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस करते हैं, फिर अदर ओवरहेड्स को माइनस कर देते हैं, नेट इनकम आ जाता है। यही चीज वेरिएबल कॉस्टिंग टेक्निक, या उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल में से पहले वेरिएबल माइनस होता है। वो वेरिएबल प्रोडक्शन का हो, ऑफिस का हो, सेलिंग का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल में से वेरिएबल माइनस होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होगा तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल 35,000 यूनिट का है, ये देखिए प्रोडक्शन में इसको लेंगे, इसको लेंगे, ये लेंगे, लेकिन ये आपका 40,000 यूनिट पे लेंगे, 30, 50, 55, 40,000 पे लेंगे, या फिर 2-5,000 का क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लेंगे तो 35 का बच जाएगा। फिर ये वेरिएबल वहां ले लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड का जो वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा में ले लेंगे। फिर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा, उसके बाद जब फिक्स्ड माइनस करना होगा तो ये प्रोडक्शन का, ये सेलिंग का फिक्स्ड माइनस कर देंगे तो इनकम आ जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट के हेल्प से बना लेना मार्जिनल कॉस्टिंग होता है, अब प्रोडक्शन कॉस्ट के हेल्प से बना लेना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगा। जब प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वेरिएबल हो फिक्स हो सभी ले लेंगे। आप प्रोडक्शन कॉस्ट मेथड में फैक्ट्री ओवरहेड के अलावा जो भी ओवरहेड हो, वेरिएबल फिक्स्ड हो, उसके बाद आता है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले सेल्स लाते हैं। सेल्स 35,000 यूनिट का बोला था, 35,000 यूनिट को बेचा गया, सेलिंग प्राइस आपका 80 रुपया। ओके, तो 35,000 यूनिट को 80 रुपया से इंटू कर देंगे तो आपका 28 लाख हो जाएगा। तो सेल्स ले लेते हैं 28 लाख, इसमें से लेस फैक्ट्री, लेस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री ओवरहेड तक रखेंगे, चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो। मटेरियल 30 रुपया करके, तो प्रोडक्शन तो 40,000 किए थे, 40,000 का 30 रुपया करके 12 लाख। लेबर, लेबर आपका 20 रुपया था, 40,000 का 20 रुपया करके 8 लाख। प्रोडक्शन ओवरहेड लेंगे,
प्रोडक्शन ओवरहेड उसमें वेरिएबल है। 40,000 यूनिट बनाया गया, वेरिएबल आपको लगा था 5 रुपया करके, दैट इज 2 लाख। अच्छा, फिक्स्ड भी था, फिक्स्ड आपका प्रोडक्शन में 2 लाख था। अब इसको प्लस कर लेते हैं 24 लाख, लेकिन 40,000 में आपको 35 ही बेचे हैं, तो यहां क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का कॉन्सेप्ट है। क्लोजिंग स्टॉक 5,000 बचा है, तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 40, इंटू 5,000, दैट इज 3 लाख होगा। ये हो गया आपका 21 लाख। माइनस करते हैं, इसको बोलेंगे ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस इनकम। तो सबसे पहले सेल्स लिए थे 35 का, प्रोडक्शन आपका 40 का था, 5,000 क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिए, 35 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, 7 लाख ग्रॉस इनकम आ गया। इसमें से लेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, ये फिक्स्ड भी है वेरिएबल भी है। इसका फिक्स्ड है 2,20,000, वेरिएबल 8 रुपया करके है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे होगा। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे होगा 280, ये हो गया 5 लाख। ये आ गया आपका 2 लाख रुपया, इसको बोलेंगे नेट इनकम। क्लियर? तो ये हो गया हम लोग का एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले सेल ले लेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेंगे। 40,000 यूनिट बनाया गया था, उसका कॉस्ट था 5,000 क्लोजिंग बच गया, माइनस कर दिए, 35,000 का आ गया 21 लाख, 7 लाख ग्रॉस इनकम, और उसके बाद अदर ओवरहेड चाहे वो फिक्स हो वेरिएबल हो माइनस कर देंगे, नेट इनकम आ जाएगा। यही चीज जब हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का करेंगे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इसका तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सेल्स 35,000 यूनिट को बेचे थे 80 रुपया करके, तो सेल तो 28 लाख आएगा। इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरिएबल हो उसी को लेना है, प्रोडक्शन तक वेरिएबल का जो है लाएंगे। 40,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ था, मटेरियल आपको लगा था 30 रुपया करके, 12 लाख, लेबर 40,000 यूनिट प्रोड्यूस किए थे, लेबर आपको 20 रुपया करके लगा था, 8 लाख। अब वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लेंगे, फिक्स्ड नहीं लेंगे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 40,000 यूनिट प्रोड्यूस किए थे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपका 5 रुपया करके था, 2 लाख। तो इसका मतलब हो गया हम लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट आया 22 लाख, 40,000 यूनिट बनाए 22 लाख लगा है, इसमें से माइनस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। 5,000 क्लोजिंग स्टॉक बचा है, 22 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 5,000, 22 लाख डिवाइडेड बाय 40,000
इंटू 5,000, ये आया आपका 275,000। ओके, अब इसको माइनस कीजिए, सॉरी ये यहीं रहेगा 1925, ठीक है, ये यहीं रहेगा, अभी माइनस नहीं करेंगे क्योंकि अभी और देखेंगे कोई वेरिएबल कॉस्ट है कि नहीं। आप एक बार क्वेश्चन को देखो, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग में 8 रुपया वेरिएबल है तो वो भी वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा ही होगा, तो इसमें प्लस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, उसका वेरिएबल पोर्शन लिया जाएगा। 35,000 यूनिट को बेचा गया है, उसका वेरिएबल 8 था, 280, ये हो जाएगा 2205, माइनस कर देंगे 595, इसका नाम होगा कंट्रीब्यूशन। ओके, अब इसमें से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, वो चाहे जैसा भी हो फिक्स्ड होना चाहिए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड का फिक्स था 2,00,000, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ओवरहेड का फिक्स था 220, गया 420 माइनस कर देंगे तो ये 175 आ जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा नेट इनकम। ओके, तो ये हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स पहले रख लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिए, 40,000 यूनिट का है, 35,000 बेचे हैं, 5 का माइनस कर दिए, ठीक है, 5 का वैल्यूएशन करके माइनस कर दिए। अगर और कोई वेरिएबल है तो उसको लाना होगा क्योंकि हेडिंग वेरिएबल कॉस्ट है, तो एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग में 8 रुपया करके वेरिएबल था, ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिए, कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन से कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दीजिए, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो या सेलिंग का हो, ये आ गया नेट इनकम। ये देखिए 175 है जबकि ऊपर 2,00,000 है, उसके पीछे रीजन है क्लोजिंग स्टॉक था, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का दाम देखो आप 3,00,000 आया है, और जबकि यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का दाम देखो आप 275 आया है, 25,000 का डिफरेंस है, यही कारण है कि प्रॉफिट में भी 25,000 का डिफरेंस देखने को मिला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।